एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? 1 kg चिकन, कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, नमक, मिर्ची, कोकोनट और इलायची का पाउडर, ऑनियन पेस्ट, कोथमीर। चिकन को अच्छी तरह धो के मैंने एक बोल में निकाल लिया है। अभी जो है एक एक करके सारे अपने मसाले इसमें डाल लेंगे। थोड़ा सा अदरक लहसुन बचा के रखा है, थोड़ा मिलाऊंगी, थोड़ा रखो। हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर। अभी जो है इसे अच्छी तरह से मिला लें। चिकन के जो है अच्छी तरह से पूरे अपने मसाले डाल के मिला के रख दिया है। अभी इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो है पूरे 20 मिनट पूरे हो गए हैं। अभी जो है मैंने कढ़ाई भगोना लगाया है। भगोने में मैं 3 tablespoon ऑयल डाला है मैंने। अब ऑयल जो गरम होते ही अपन जो है उसमें 1/2 onion ऐड कर लेंगे ऑयल में। देखेंगे ऑयल गरम हुआ या नहीं। जी गरम नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गरम होने के बाद अपन प्याज डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अभी मैं पूरा प्याज डाल रही हूँ इसमें। आधा प्याज चाहिए काटे इसको बारीक बारीक। ऑयल ऑयल में प्याज डालने के बाद ये थोड़ा ब्राउन कलर आए जब तक उसे थोड़ा फ्राई कर दीजिए। इस तरह से ब्राउन हो गए हैं। अभी जो है इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। जो बचा लिया था वो पेस्ट जो है इसमें डाल देंगे। थोड़ा मैं हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक ऑयल में डालूंगी। ये जो है थोड़ा टेस्ट देता है। थोड़ा सा नमक जो है ऑयल में जो है टेस्ट आएगा नमक का। अब जो है ये थोड़ा कलर चेंज हुआ है, देखिए कलर चेंज हुआ है। अभी अपन जो मिक्स करके रखे तो चिकन है वो जो है इसमें डाल देंगे। अभी जो है मैंने गैस धीमी किया था अदरक लहसुन का पेस्ट डाले जब। अभी जो है गैस को मैं थोड़ा फुल करूंगी। अभी अच्छे से चिकन को जो है अच्छे से मिलाऊंगी। तेल में अच्छे से मिलना चाहिए। इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए अच्छे से फ्राई करूंगी।
देखिए इस तरह से अच्छे से फ्राई। मैंने गैस को फुल करके अच्छे से मिलाया है और इधर ही गैस के पास ही खड़ी थी कि जल जाएगा बोल के, जो ऐसा जब तक ऐसा तेल नहीं छोड़ेगा तब तक गैस फुल करके इसे अच्छे से मिलाना चाहिए। बार बार नहीं, एक दो बार बीच में मिलाएंगे, मिलाया था। अभी जो है मैं इसमें तेल ऐसा छोड़ने के बाद, देखिए ऐसा तेल छोड़ने के बाद अभी जो है ये ऑनियन का पेस्ट मैं इसमें डाल दे। गैस फुल था इसलिए मैं नजदीकी खड़ी थी। ऑनियन डालने के बाद अच्छे से मिला के अभी इसे धीमी आंच पे छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए इसे अपने छोड़ दिया था, अभी जो है इसे अच्छी तरह से मिला के इसे ढक लेंगे। देखिए इस तरह से बनेगा थोड़ी देर के बाद, ऑनियन पेस्ट मिलाने के बाद। देखिए अभी अच्छे से मिलाया है मैंने, अभी जो है इसको ढक देंगे। अब जो है अपने बिस्किट मिले हो गए हैं, चिकन जो है बन रहा है, एक बार अच्छे से मिला लेंगे इसे। अगर इस टाइम इस मोड पे अब पानी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर ऐसे ही यूज करें ऐसे ही खाना चाहे तो ऐसे ही खा सकते हैं। पकने के बाद चिकन जो है गलने के बाद अभी मैं जो है ना थोड़ा पानी डालूंगी इसमें, मैंने इसमें 1 ग्लास पानी डाला है। अभी जो मैंने गैस थोड़ा फुल किया है, थोड़ा पकना स्टार्ट होने के बाद गैस धीमी करके ढक्कन लगा दूं। देखिए इस तरह से अभी थोड़ा बबल्स के वजह से आ रहे हैं। देखिए अब इस मोड पे गैस छोटा करके ढक दिया है मैंने। अभी इसे चिकन गले जब तक पकाना चाहिए, चिकन गलने के बाद नारियल और इलायची डाल के कोथमीर डाल के उतारते हैं। चिकन जो है पक चुका है, अभी इसमें अभी मैं नारियल और इलायची का पाउडर, सूखा नारियल और इलायची का पाउडर डाला है, इसे अच्छी तरह मिला लूंगी। इसे थोड़ी देर के लिए गैस के ऊपर छोड़ दूंगी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। नारियल भी इसमें अच्छी तरह से मिल गया है, नारियल और इलायची। अब जो है कोथमीर डालूंगी।
अभी जब ये ढक के गैस बंद कर दूँ। चिकन करी बन के रेडी है, अभी जो है प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।